नमस्कार, मैं श्रीलता हूं और लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जंग है वो तेज हो गई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उसके बाद मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के 10 सालों का श्वेत पत्र जारी कर दिया। श्वेत पत्र के जरिए ये कहा गया कि यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां औसत दर्जे की थी। मोदी सरकार को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ब्लैक पेपर रिलीज किया। हालांकि ब्लैक पेपर को पीएम मोदी ने काला टीका कहकर खारिज कर दिया। सवाल है कि चुनाव के पहले श्वेत श्याम सियासत का वोटिंग पर क्या वाकई असर पड़ेगा? गंगा के दक्षिण तट पर बसा बिहार का वो शहर जिसका जिक्र महाकाव्यों और पुराणों में, जिसे कभी चंपावती कहा गया, कभी भगवतपुरम के नाम से पुकारा गया, तो अब भागलपुर के नाम से जाना जाता है। सिल्क नगरी के नाम से विख्यात भागलपुर का एक सिरा पहाड़ को छूता है तो दूसरा मैदानी इलाकों को। शिक्षा, राजनीति और व्यापारी केंद्र के तौर पर मशहूर इसी भागलपुर का सियासी मिजाज समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची है। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुर्खरू जिले इलाही होंगे। जी हां, सियासत का भी कुछ यही हाल होता है कि जब मतदान होता है तो तमाम जिम्मेवारियां सरकार चुनने की तो मतदाताओं पे आता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार सरकार चुन ली जाती है तो लोग तमाम लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। इस वक्त हम बिहार के भागलपुर में मौजूद हैं। जी हां, सिल्क नगरी भागलपुर, और यहां आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में भागलपुर के लोगों के लिए क्या होंगे वो अहम मुद्दे जो दिल्ली की सरकार चुनने में सबसे आगे होंगे। अपने गौरवशाली अतीत पर इतराने वाले भागलपुर के दामन में फूल भी हैं और शूल भी। बिहार का ये वो जिला है जिस पर लगा दंगों का दाग 35 बरस बाद भी डरा देगा। 80 के दशक के सबसे आखिरी साल में सबसे स्याह सच से साक्षात्कार करने वाले भागलपुर के उसी ततारपुर में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची जहां दंगों की चिंगारी सुलगी थी। इस वक्त लोगों के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर में, और ये भागलपुर का ततारपुर इलाका है। सन 89 के वो दंगे आज तक भागलपुर के लोग भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब माहौल चुनावी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास है, दावे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के साथ आएगी। क्या लग रहा है आपको कि ये जो 2024 का चुनाव है इसमें मुद्दे क्या होंगे? इसमें मुद्दे तो दो तरह के मुद्दे होंगे, एक तो मुद्दा होगा राजनीतिक मुद्दा और एक होगा धार्मिक मुद्दा। आप जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं? तो नहीं, दोनों जनता, राजनीतिक में भी जनता है और धर्म से जुड़े हुए भी जनता है। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, अब वहाँ भी लोग नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर ये दिल में एक चोट तो लगती हो? नहीं, मुसलमानों के दिल में कोई चोट नहीं है, सच पूछिए तो। ये उन्हीं ठेकेदारों को चोट लग रही है कि मुझे ठेका, इस रोड का ठेका मुझे क्यों नहीं मिला, अगर इस रोड का ठेका इनको मिल गया तो हमको तकलीफ हो गई। बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं इनके जो ठेकेदार लोग हैं वो इन्हें समय पर बरगलाते हैं, 5 साल इनकी पूछ लेने वाले कोई नहीं होते हैं। चुनाव के समय इनके जो ठेकेदार होते हैं वो अलग अलग जगह से मौलाना के रूप में, आलिम के रूप में आते हैं और इन्हें बरगलाते हैं। ओबीसी क्या कर रहा है? ओबीसी को मुस्लिम समर्थन नहीं है, अगर होता तो यूपी का वो 50 सीट जीत लेता। अगर उसको मुस्लिम समर्थन होता तो हैदराबाद के सारे सीटें जीत जाता। अगर वो मुस्लिम समर्थन होता तो बिहार में वो 4 सीट में, वो 5 सीट में 4 सीट गंवा नहीं देता। उसको मुस्लिम समर्थन नहीं है। दंगों से झुलस चुके भागलपुर में मुस्लिम, यादव और गंगोता जाति की बहुलता है, जबकि वैश्य समुदाय की तादाद भी अच्छी खासी है। हिंदू आबादी 69.9% है, जबकि मुस्लिम आबादी 29.1% है। ओबीसी 27% है, इनमें 14% सिर्फ यादव। ईबीसी की तादाद 36%, दलित 20%, अपर कास्ट 16% और आदिवासी 2%। जाति और धर्म की सियासत के बीच इस बार भागलपुर में मोदी फैक्टर कितना अहम है वो सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल सीधे कहती है MY समीकरण, और मुसलमान खुश, बिल्कुल खुश हैं। ये मानी बात है कि उनके पीछे ज्यादातर लोग जाते हैं,
ये एम वाई समीकरण सिर्फ ये वोट की राजनीति है सर। किसी एम को भी फायदा नहीं हुआ, किसी यादव को भी फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की भी पार्टी ने यहाँ 20 साल तक रूल किया, राहुल गांधी की पार्टी ने भी 70-75 साल रूल किया, तो सबने तो मुसलमानों को ठगा, किसी ने तो मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया, सबने वंचित किया उनको। हमेशा होते थे ना कि जो लोग आते थे बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देना, हमारा मिशन वो नहीं है कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी, हमारा मिशन है कि जो हमें टिकट देगा, जो हमें राजनीति में हिस्सेदारी देगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसको जरूर वोट। मैं क्या मानूँ कि ये एम वाई समीकरण चलता रहेगा या यहाँ टूटने वाला है? ये ध्वस्त हो जाएगा, नहीं चलेगा। तीन लोगों के नाम ले रहा हूं जी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, आपके पड़ोस में ज्यादा करीब है, पटना से ज्यादा करीब बंगाल है। अगर प्रधानमंत्री के लिए इन तीन चेहरों को आपके सामने रखा जाता है तो अल्तमस भाई 1-2-3 कैसे देंगे? जो जिसकी चलने का स्टाइल भी हो, जो दूसरे देश के अंदर जब उतरते हैं, बता दीजिए सर, पब्लिक नहीं समझ। नरेंद्र मोदी एक नंबर पे, दो नंबर का कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत के संविधान में दो नंबर का कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का मुसलमान राम मंदिर बनने से खुश है, एक मसला हल हो गया। जो मसला, जो दंगे भागलपुर के लोगों ने राम मंदिर को लेके 89 का दंगा झेला है, मेरा घर उस घर को जलाया गया है, मेरे समाज के घर को जला दिया गया, तो ये दंगा हम लोगों ने झेला है, वो धर्म के ठेकेदारों ने नहीं झेला। वो दंगा के बाद आकर के कंबल जरूर बांट के चले गए, लेकिन झेले हैं हम, यहाँ के हिंदू मुसलमान झेला है, आज वो चीज शांति से। बिहार के मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद की कर्मभूमि रहा भागलपुर, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1989 के दंगों के बाद यहाँ फिर से कभी हाथ छाप पार्टी की वापसी नहीं हो पाई। 1989 से 1996 तक यहाँ से जनता पार्टी के चुनचुन यादव जीतते रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभाव चंद तिवारी ने एंट्री ली, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी के सुबोध राय सांसद बन गए। 2004 में बीजेपी ने वापसी की तो सुशील मोदी जीत कर संसद पहुंचे, लेकिन 2006 में उपचुनाव हुआ तो शहनवाज हुसैन जीते और 2014 तक सांसद रहे। 2004 में आरएलडी के शैलेश मंडल सांसद बने तो 2019 में जेडीयू के अजय मंडल। मोदी की पहली लहर में भी बीजेपी जिस भागलपुर में हार गई थी, वहां इस बार मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा समझिए। माहौल क्या है मतदाताओं का? मोदी जी तो कह रहे हैं 370 तो सिर्फ बीजेपी को आएगी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि न्याय यात्रा न्याय दिलवा के छोड़ूंगा, आपको क्या लग रहा है? इन दिनों होता क्या है कि कोई मतदाता खुलता ही नहीं कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अभी महंगाई इस कदर हो गई है कि मत पूछिए। किसी सामान का कल तक जो बेचते थे हम लोग 8 रुपये में, आज बेचना पड़ रहा है 11 रुपये। अभी जो सरकार है केंद्र में बिहार में, ये काम कैसा कर रहा है? देखिए नीतीश जी तो काम बहुत अच्छा किए, लेकिन उनका जो ये जो दल बदलाव जो मामला रहा है उससे उनका करेक्टर लूज हुआ है। पलटी मारे वो कहाँ रहे, जनता को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, विकास। इसलिए नीतीश कुमार जो है जो बिहार के अंदर जो काम किया है वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। का पलटी मारना ठीक नहीं लगता, मोदी जी तो 10 साल से वहीं बने पड़े हैं, अब वो कैसे लगता है? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, काम जो कर रहे हैं देश के हित में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लोग हैं जो इधर उधर हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको थोड़ा संभालें, ताकि देश में सबका अपना अपना सम्मान है और सबको सम्मान मिलनी चाहिए। मोदी जी कैसा काम? मोदी तो जहाँ तक अपना काम कर रहे हैं, अपने ही सोच समझ के जनता के लिए, युवा के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा कि खराब? नहीं, बढ़िया कर रहे हैं। सद भाई के लिए मजहब एक मुद्दा है? मजहब अपनी जगह पे है, वोट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मजहब मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। विकास का मुद्दा होगा क्या? विकास भी है, गांव समाज का भी है और पढ़ाई लिखाई का भी है, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो बोलिंग चल रहे हैं वो। लेकिन भागलपुर में तो जात धर्म पर वोट पड़ता है। वो सब अपने अपने मन की एक मन कामना है, वो सब कोई ऐसी बात नहीं। करते क्या हो तो? हम सेंटरिंग का काम करते हैं। अरे भैया छत तैयार कर देते हो, तो इस बार किसका छत तैयार करना चाह रहे हो? राहुल गांधी का। अरे लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। सब पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। सरकार अगर मस्जिद मुद्दे को हटा के मस्जिद मंदिर को आती है तो लाना चाहेंगे, अगर बोला नहीं, अगर उस मुद्दे को लेकर आती है तो फिर लाना बेकार। जो बीजेपी की सरकार अभी चल रही है वो अगर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो आप उनके साथ? नहीं, उनके साथ
कास्ट की बात करेंगे तो की बात करेंगे उनके साथ। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जब ततारपुर में लोगों के बीच थे तभी जिक्र उस कॉमन सिविल कोड का हुआ जिसे देश भर में लागू करने की चर्चा हो रही है। अभी बहुत तेज ये मुद्दा है, गरम है, इसकी बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो एक अच्छा चीज़ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो उसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो। सरकार का जो अपना नियम है उसके हिसाब से चले, आपको फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कि भैया ये हमारे मजहबी उस पर कहीं ना, ये तो उन लोगों का काम है जिन्होंने इस पर अपनी को अपना पॉलिटिक्स खेलना हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिर्फ खाने पकाने की संस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने गरीब बच्चों का शादी कराया, कितने गरीब लड़कों को UPSC का कोचिंग कराया, कितने गरीब मुसलमान बच्चों का वो नीट मेडिकल का तैयारी करवाया, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ मस्जिद मंदिर के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं कोई योगदान नहीं। सर UCC CA NRC में गलत क्या है? कोई गलती नहीं है। आपसे कागज मांगे जा रहे हैं, सिर्फ मुझसे कहाँ कागज मांगे जा रहे हैं? CA NRC का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनका सिर्फ कहाँ मांगा जा रहा है कागज? कागज सभी लोगों से मांगा जा रहा। सवाल है कि आप इंडियन है या नहीं है, इसकी मापदंड देने में आपको क्या दिक्कत है? आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हिस्सेदारी घट रही है, मेरी हिस्सेदारी नहीं है कहीं भी, कहीं भागीदारी भी नहीं है, तो अगर UCC लागू हो जाता है तो हमारी भागीदारी मिल जाएगी। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो समान नागरिकता समान हो जाएगा, आपको भी 10% मिलेगा, मुझे भी 10% मिलेगा, कहीं अगर 20% है तो मुझे भी 20% मिलेगा। जिस वक्त भागलपुर में लोग UCC का समर्थन कर रहे थे, मोदी की नीति की तारीफ कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त भागलपुर से करीब 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली के पावर सेंटर में जंग छिड़ी हुई थी। कांग्रेस नेता मोदी सरकार के 10 साल को अन्याय काल बताते हुए ब्लैक पेपर पर सियासी मुहर लगा रहे थे। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो क्यों? अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व क्या है? यू आर रूलिंग टुडे, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व क्या है? ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।